अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? होप ऑल इज़ वेल। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? और सब फर्स्ट क्लास है, मुँह फर्स्ट क्लास है। बीपी मरीन में थोड़ा मेरा कोर्स चालू है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। अब दो दिन से मैं जा रहा हूँ वहाँ पर कोर्स के लिए। रास्ते में ऐसे ही कल मैं ऐसे ही वहाँ से आ रहा था तो मैंने मेरा पेट है, नीचे स्ट्रे है वो डॉग, तो उसके बॉडी पे ना ऐसे मैंने टिक्स ग्रो कर रहे थे, तो मैं बोला करके यार थोड़ा मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं जाके ये स्प्रे लेके आया। टिक स्प्रे है फिप्रोनिल 0.25% एक्टोपैरासाइट स्प्रे, फ्रीडम फ्रॉम टिक्स एंड फ्लीस। तो ये स्प्रे मैं लेके आया, उसको ब्लैकी के ऊपर डाला मैंने कल, उसके बॉडी पे स्प्रे किया मैंने। मतलब उसको लाइक उसके बाल है ना, बाल की तरफ से बाल पर हल्का हल्का 10-15 सेंटीमीटर गैप छोड़ के अपने को स्प्रे करने गया है। तो मैंने आज देखा उसको, कल मैंने स्प्रे किया इसको उसके ऊपर, आज देखा सारे टिक्स निकल गए उसके बॉडी से। और एक मेडिसिन आती है नियोमेक की, आइवरमेक्टिन 10 mg, आइवरमेक्टिन मेल्ट इन माउथ टैबलेट्स 10 mg नियोमेक की है। तो ये मेडिसिन एक देनी है आपको, दूध में डाल के मैंने दी थी सुकल, तो थोड़ा अगर आपको भी, आप भी डॉग लवर हो, आपको भी पेट से प्यार है, तो आप लोग भी उनकी थोड़ी छोटी सी सी हेल्प कर सकते हो। तो कल मैं ये सोच रहा था यार, मैं देखा उसको यार, इसके बॉडी पे बहुत सारे दाने दाने आए ले और लाइक ऐसे टिक्स आए ले, तो उसको परेशानी हो रही है, उसकी आंखें भी फुल लाल लाल हो गई ली है। तो बंटा बोला जाके मैं थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ यार उसको, साला मैं उसके साथ में घूमता फिरता रहता हूँ, अगर मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा तो फिर मेरा उसके साथ में रह के ही फ़ायदा क्या है। तो ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कल ये आप लोगों को मैं अवेयर करने के लिए कि मैंने ये वाला मेडिसिन लाया तो उसके बॉडी से टिक निकल गया, टिक सब चले गए, आज 90% टिक्स चले गए उसके बॉडी से। तो ये बहुत हेल्पफुल टैबलेट है आइवरमेक्टिन 10 mg नियोमेक का, ये पास के मेडिकल शॉप से आप बाय कर सकते हो उसको। और ये फ्रीडम का स्प्रे है, फ्रीडम फ्रॉम टिक्स एंड फ्लीस ये वाला स्प्रे है, यू कैन बाय फ्रॉम योर मेडिकल नियर बाय मेडिकल शॉप। तो फिर ठीक है ना यार, थोड़ा अपन लोगों को भी देखना चाहिए ना यार अपने सराउंडिंग्स में, अगर आप पेट लवर है, डॉग से डॉग के प्रति तुमको थोड़ा प्यार है, लगाव है, तो यू कैन हेल्प देम ना यार, थोड़ी दुआएं उनसे भी कमा सकते हैं हम लोग। तो मेरा मुद्दा यही था आज का टॉपिक का बात करने का, इसमें मेरे को ऐसा दिखाने का नहीं कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ ऐसा कुछ, ऐसा मेरे को ये अवेयर करने का है कि साला हम लोग इतना डॉग्स के साथ में खेलते जाके प्यार करते, खाना भी लोग प्यार करते तो खाना वाना खिलाते हैं, जाके खेलते हैं उनके साथ में। और अगर अब तुम्हारा पेट ही ठीक नहीं है और तुम सुबह बस खिला रहे हो, तुम उसकी केयर नहीं कर रहे हो, तो यार फिर तुम्हारा या मेरा उसके साथ में रह के मतलब ही क्या है? मेरा बोलने का मुद्दा ये है, तो यू कैन हेल्प ना यार। कितना ये टैबलेट कितने की आती है? 120 की टैबलेट आती है, हफ्ते में एक ही दिन देने की उसको, तो एक टैबलेट तुम ले सकते हो। और ये स्प्रे भी कुछ 700 रुपये का स्प्रे है, ये खाली मैंने एक ही बार अप्लाई किया, आज पूरा उसका टिक्स चला गया यार। तो बंटाए बच्ची बमाए भिड़ू लोग और भिड़ू भाई बूढ़ी गर्ल्स, सब लोगों को थोड़ा हेल्प करना चाहिए यार। और बहुत काफ़ी दिनों के बाद में मुँह ऑनलाइन आ गया आज थोड़ा कोर्स में बिजी हूँ, सुबह उठता हूँ मैं 6 बजे उठता हूँ, अभी 2 दिन से 6-6 बजे उठ रहा हूँ सुबह, नहीं तो मैं आलसी के वहाँ सोता रहता हूँ दिन भर और घर के काम थोड़ा बहुत करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इतना भी पैदल नहीं हूँ मैं, थोड़े घर के काम भी कर लेता हूँ तो 2 दिन से इम्मू की लग गई लिए, और इम्मू को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है यार, नींद से बहुत प्यार है इम्मू को। और सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ता हूँ, ट्रेन से सीवुड से बेलापुर जाता हूँ, खाली एक ही स्टेशन है, और थोड़ा कोर्स में टाइम बिता रहा हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ, एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। बिड़ू भाई बिड़ू गर्ल्स, अगर आप लोग को भी कोर्स करने का रहेगा
कोई भी कोर्स अच्छा है, बीबी मरीन इंस्टीट्यूट भी अच्छा है कोर्स करने के लिए, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सारे कोर्सेज तुम उधर आगे कर सकते हो, और वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स भी अच्छे हैं, कैप्टन अच्छे हैं और अच्छा नॉलेज देते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अभी एडवांस फायर फाइटिंग कोर्स कर रहा था वहाँ पर, कर रहा हूँ और चालू है 2 दिन से मेरा, 5 दिन का कोर्स है, 3,500 रुपया फीस है, और 5वां दिन पे तुम्हारा टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट क्रैक करने का तुम्हारे को, तो उसके लिए मेरे को पढ़ाई भी करनी है, अभी PDF लेके आया हूँ, थोड़ा स्टडी वडी करनी है, तो बहुत सारा काम है। चलो एमू निकलता है अभी, अल्लाह हाफिज़, मौका मिले तो वापस।